छोड़िए ना, मुझे खुशी तो इस बात की है कि कम से कम काकी जी ने मेरा सुझाव मान तो लिया। अब क्या फर्क पड़ता है इसे मैं पूरा करूं या गोपी। जिगर, राशि आइए ना माँ। अरे बैठो बेटा, बैठो। मैंने आप लोगों की नींद तो नहीं बिगाड़ी? नहीं माँ, वो बस कुछ बात करनी थी। राशि, कुछ बात हुई है क्या? आज जो कुछ भी हुआ तुम्हारे और कोकिला के बीच में सब ठीक है ना? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोकिला तुमसे नाराज है। अब चाय में चीनी ना होने की वजह से कोकिला को बुरा तो नहीं लग सकता? कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई राशि? माँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि गलती राशि से ही हुई है? नहीं, मतलब नहीं माँ, काकी की एनिवर्सरी पर जागरण का आइडिया राशि का ही था ना, फिर उसे जागरण की जिम्मेदारियों से दूर क्यों कर दिया गया? आपको नहीं लगता कि वो राशि का हक था? मुझे नहीं लगता माँ कि राशि से कोई गलती हुई। मुझे तो लगता है कि जीगा जी, छोड़िए ना। देखिए, काकी जी हमेशा मुझे गलत ही समझती हैं और आज ऐसा इतना कुछ हुआ नहीं है कि, लेकिन फिर भी अगर काकी जी को लगता है कि उससे अनजाने में ही सही कोई गलती हुई है तो मैं घर के सारे बड़ों से माफी मांग लूंगी। बहुत देर हो गई है, आप लोग सो जाएं। जय श्री कृष्ण। माँ, माँ अगर आपसे मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। चिंता मत करो, सो जा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण माँ जी। नाश्ता लगभग तैयार है। सारू, तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। क्या है? वो माँ जी, मुझे कुछ कहना था। कहो। वो राशि बेन, मतलब माँ जी, राशि बेन को एक मौका मिलना चाहिए कि नहीं, मतलब अंबे माँ के जागरण का सुझाव तो उन्हीं का था, इसलिए मैं बोल लिया। अबे तमे जाओ और अपना काम करो, जाओ। गोपी, वो पूजा की सारी तैयारियां तू कर रही है ना? हाँ। वो क्या है, जागरण का सुझाव मैंने दिया था ना, तो मेरे मन में तभी बहुत उत्साह था। मैंने सोचा था कि मैं इस बार ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि वो सारी चीजें तू बहुत अच्छी तरह से कर लेगी। राशि बेन, वो मैंने माँ जी से बात की
कि अगर आप पूजा की इन सारी तैयारियों में मेरी मदद कर सकती है तो। जाने दे, काकी जी अभी भी मुझसे नाराज है, लेकिन लेकिन तू इस बात का ध्यान रखना कि तू सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से कर देना। राशि, तुम्हारा उत्साह और पूजा के कामों के प्रति तुम्हारा जुड़ाव देखकर मुझे लगता है कि मुझे अपना विचार बदलना होगा। मतलब यही कि मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ खुद को साबित करने का। पूजा और जागरण की सारी जिम्मेदारियां तुम उठाओगे। जी काकी जी, मैं अभी जाके पूजा की सारी तैयारियां शुरू कर देती हूँ। लेकिन याद रहे राशि, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इस बार। जाओ। अने तमे गोपी वो, ध्यान रखना होगा तुम्हें राशि पर कि वो क्या और कैसे कैसे ये जिम्मेदारियां उठा रही है और निभा रही है। समझी गया तुम्हें? जाओ, जाकर अहम को नाश्ते के लिए बुला कर लाओ। जी माँ जी। जय श्री कृष्णा मानी भाई। हाँ, वो साड़ी तो लेनी है, लेकिन सोच रहा हूँ कि साड़ी के साथ कुछ और भी। सर, उसके साथ डायमंड का सेट भी रहेगा तो अच्छा रहेगा। हाँ मानिक भाई, बहुत अच्छा आइडिया है, डायमंड का सेट साथ में चलेगा। सर, उनका फेवरेट कलर कौन सा है? मानिक भाई, उनका पसंदीदा रंग तो मुझे पता नहीं, रंग ज्यादा भड़कीला ना हो, मॉम के ऊपर सूट करना चाहिए। अब पीला। मानिक भाई, पीला रंग। अहम भाई, आप भाभी को फोन दीजिए, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। वो एमजी नाश्ता। सुनो, मैं? जी हाँ, आप ही गोपी जी। ये लो, मानिक भाई से बात करो, उनको मॉम की साड़ी के बारे में बताओ और वो सेट भी साथ में भेज देंगे। ये लो। जय श्री कृष्णा। जी, वो माझी को पीला रंग पसंद है। नहीं नहीं, बस थोड़ी जरी वाला। आप दो चार साड़ियाँ भेज सकते हैं? नहीं नहीं, आज यहाँ पे कोई है नहीं तो हम नहीं आ सकते। अच्छा, आप नहीं आ सकेंगे? मुझे फोन दो। मानिक भाई, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तुम भी साथ चलो। अभी चलते हैं। लेकिन मॉम को वो माझी से मैं कोई बहाना कर दूंगी। नहीं, तुम रहने दो, मैं मॉम से बात कर लेता हूँ। मैं डाइनिंग टेबल में उन्हें बोल देता हूँ कि मैं गोपी को साथ लेके जा रहा हूँ, रास्ते मंदिर में छोड़ दूंगा।